हाय गाइस, दिस इज मी विशाल सिंह और आज के वीडियो में हम भरने वाले हैं डीडी। डीडी कैसे भरते हैं ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे फिल करते हैं, चेक कितने का लगाते हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डीडी होता कहता है तो डीडी इसे कहते हैं। ये फॉर्म आपको चेक ये फॉर्म आपको मिलेगा, फ्री में मिलता है, आपको बैंक में मिल जाएगा और इसके पीछे चेक लगाना होता है। तो देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपकी ब्रांच जहाँ पे गए हो ना, जिस बैंक वो बैंक है कहाँ पे, कौन सी ब्रांच है वो, जहाँ पे उसका नाम, फिर यहाँ पे उसका डेट जिस दिन कर रहे हो, जो एप्लीकेंट है ना जिसको बनवाना है, जैसे आपको बनवाना तो आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा जो आपको, जैसे किसी के फेवर में करवाना है बैंक, तब आप किसी को भेजना चाहते हो तो उसका अमाउंट आ जाएगा टोटल जितना भेजना है। यहाँ पे जो बैंक वाले होते हैं ना उनका प्राइस कटता है, जो 2500 रुपये देख रहे हो ये जाने के हैं, ठीक है। पर अगर आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, 2500 रुपये नहीं लगता है। तो आप क्या करें, आप अमाउंट पूछ लेना उनसे, सर ये है कैसे बनना, तो अमाउंट आपको बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्टर जिसको भेजना है जिसके फेवर में, वो अगर आप कोई फॉर्म भरे तो उस पर ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में डाला होता है कि यहाँ पे आपको लिखना है इन फेवर ऑफ के आगे लिखा होता है। तो आप जिनको लिखना है जिसके लिए, उसका पूरा नाम यहाँ से यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे अमाउंट आ जाता है जो आपको भेजना है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, 100 रुपये का था अमाउंट भेजना, 2500 रुपये जाने के था, ठीक है। तो 100 ही रुपये हमें देना था, वो है कहाँ पे, यहाँ पे आपका आएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे आपका नाम और पूरा एड्रेस आएगा, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा, मोबाइल नंबर जो लिखा ना यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे सिग्नेचर। और हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो है ना आपको यहाँ पे पैसे लिखने होंगे, ठीक है। जैसे 100 रुपये है यहाँ पे एक्सचेंज, मतलब जाने के पैसे, और यहाँ पे टोटल नीचे, ठीक है, टोटल यहाँ पे भी नीचे लिख दे रहा है। और इस तरीके से आपका ये हो जाता है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, ब्रांच यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट, यहाँ पे तीनों में से कौन सा हमें करना है, तो ड्राफ्ट करना है डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट पे टिक, डेट, ठीक है। दूसरा आपका जिसको करना है भरना है उसका नाम, ठीक है। फिर यहाँ पे अमाउंट भरेंगे हम, ठीक है, 100 रुपये जाना है, 2500 रुपये जाने के, 125 टोटल हो जाता है। यहाँ पे किसको आप फेवर में, किसके फेवर में डिमांड ड्राफ्ट कटवा रहे हो तो उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने रुपये उनके लिए कटवा रहे हो ये रहा, और फिर यहाँ वो है कहाँ पे, ये जो लोकेशन है वो है कहाँ पे, तो वहाँ पे यहाँ पे उसका कोड भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे आपका नाम और आपका फुल एड्रेस विद पिन कोड, और यहाँ पे आपका क्या होगा, फ़ोन नंबर, और ये नाम आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, यहाँ पे ड्राफ्ट में टिक हो गया, 100 रुपये आपको जो भेज रहे हैं, 2500 रुपये जाने के, और ये 125 टोटल हो जाता है। अब आता है यहाँ पे कि इसके साथ साथ चेक भी लगाना, तो चेक में बता दूं मैं कि चेक में ऊपर लिखना होता है योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद को दे रहे हो, इसको खुद को दे रहे हो, है ना, कि ये वैलिड हो जाए। ये वैलिड तब होगा जब आप अमाउंट चेक दोगे तो उसके अंदर ये लिखा होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, 125 का। तो यहाँ पे योर सेल्फ और ब्रैकेट में योर सेल्फ, फिर ब्रैकेट में डिमांड ड्राफ्ट, और यहाँ पे ऊपर तारीख, ठीक है, जिस दिन ये कर रहे हो आप उस दिन उसकी तारीख, फिर से योर सेल्फ, डिमांड ड्राफ्ट, तारीख, और यहाँ पे जितना अमाउंट आप कर रहे हो, लास्ट में ओनली, और यहाँ पे उससे सिग्नेचर हो जाता है, ठीक है। और आपका डिमांड ड्राफ्ट का नंबर ये होता है, डीडी नंबर ये होता है, ये 6 अक्षरों का होता है, 1 2 3, हाँ ऐसे 6 अक्षरों का होता है, वो आपको भरना होता है, ठीक है, और हो जाता है। लास्ट पीछे भी आपको क्या करना होता है, ये यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए होता है, जिसका भी चेक है उसका यहाँ पे सिग्नेचर, और साइड में इस तरफ में जहाँ पे जिनके फेवर में आप लिखने वाले हो, बस यही चीज़ है, और आपका डिमांड ड्राफ्ट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। आगे जो और भी फॉर्मेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हम आपको दिखाएंगे फॉर्मेट्स, लो क्रेडिट, पढ़ाई और भी बहुत सारे जनरल नॉलेज के लिए, हम सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।